न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर सतना से है, जहां रिश्तों को तार तार कर देने वाली इस घटना में भाई को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतारा गया क्योंकि वह बहन की नाजायज हरकतों पर लगाम लगाता था। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है, जब बहन सिमरिया स्थित कॉलेज में पढ़ने जाती थी, जहां उसके नाजायज संबंध मृतक के दोस्त से हो गए। इस बात की जानकारी भाई को लगी तो उसने बहन को फटकारा और सख्ती से रोक लगाई, जो बहन को नागवार गुजरी और बहन ने खौफनाक साजिश रची। अपने प्रेमी को थोड़ी दूर में छिपा दिया और भाई को सौंच जाने के बहाने साथ ले गई, जहां उसका प्रेमी घात लगाए बैठा था। उसने सिर में डंडा से प्रहार कर दिया, जिससे वो गिर गया। फिर दोनों ने मिलकर गले में तार डालकर करंट लगाया। सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात को राजकुमार साकेत, पिता बाबूलाल साकेत, जो कि दलदल टोला रामपुर बगेलान के रहने वाले थे, इनका जो है खून में लथपथ शव वहां पर मिला था। उसके तहत जो है मन कायम करके जांच शुरू की गई थी। इसके संबंध में वहां पर फॉरेंसिक साइंस टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य टीमों को वहां पर रवाना किया गया। तो ये चीज़ देखी कि जो लाश थी उसको GI जो तार होता है उससे बंधी हुई थी और हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मृत्यु प्रतीत हो रही थी। परंतु वहां पर एक तथाकथित सुसाइड लेटर भी हमको प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में जो मृतक का मोबाइल था, उस मोबाइल को जब चेक किया गया तो उसमें से सारी कॉल डिटेल और सभी कुछ क्लियर पाए गए। इससे ये चीज़ थोड़ी सी शक में आई कि ये जो घटना है वो आत्महत्या का इसको स्वरूप दिया जाना है, जबकि ये घटना बहुत ही गंभीर और हत्या की है। इसके तहत जब आगे और विवेचना की गई तो पता चला कि रात में ही, उसी रात को, करीब 12,000 रुपये ATM के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से मृतक के द्वारा उसके एक दोस्त रमेश को ट्रांसफ़र किए गए। साथ ही साथ में जो तत्कथित सुसाइड लेटर था वो, चूँकि परिवार वालों का ये कहना था कि वो उस मृतक के द्वारा नहीं लिखा गया, तो इसके संबंध में काफ़ी सारे लोगों की हैंडराइटिंग को चेक किया गया और मुखबिरों से भी जानकारी निकाली गई, तो ये पता चला कि उसका दोस्त रमेश की ही ये हैंडराइटिंग है। उससे हमारी जो शक था वो उसके दोस्त रमेश की तरफ गया। मुखबिर हमारे पहले से ही उस गांव में थे, काफ़ी सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उस सूचना में एक अहम सूचना ये प्राप्त हुई कि जो मृतक है वो अपनी बहन जो रोशनी है उसके जो भी अफेयर थे उसको लेकर के उसको काफ़ी डांटता था और उसको कहता था कि इस तरीके का तो आप पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी ये तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। और रमेश के साथ भी उसका काफ़ी बार झगड़ा भी हुआ था और अपनी बहन को उसने एक बार मारा भी था, कहते हुए कि अभी ये सब नहीं करना है और तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो रमेश के जो है पे जो शक था हमारा वो काफ़ी पुख्ता हुआ, उसके हाव भाव भी काफ़ी संदिग्ध थे घटना दिनांक से ही। उसको जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जब सख्ती से पूछताछ करी तब जा कर के पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो सका। घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि घटना दिनांक को रात में करीब 12 बजे जो मृतक की बहन थी रोशनी, वो उसके पास में आई और उसको जो है बुलाया कि मुझे जो है शौच करने जाना है, भाई तुम मेरे साथ चलो। तो भाई ने जो है उसके साथ चला। उससे जस्ट पहले रमेश से उसकी मुलाकात हुई, रमेश ने उसी की कॉपी में तत्कथित सुसाइड लेटर जो है लिखा और उसमें इस तरीके की भाषाओं का यूज़ किया, प्रेम प्रसंग, जिससे कि पुलिस का शक जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाए। फिर उसके बाद में जब ये तो वहाँ पर पहुँचा मृतक, तो रमेश जो है वो पहले से ही एक खंडहर है वहाँ पे छुपा हुआ था, एक लाठी से उसको मारा जिससे कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद में उसको GI जो तार थे उससे लपेटा और लपेटने के उपरांत उसको हाई वोल्टेज करंट दे दिया जिससे कि उसकी वहीं पर ही मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये जो घटना थी वो आत्महत्या का इसको स्वरूप दिया जा रहा था और हर प्रकार से पुलिस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु हमारी जो पुलिस टीम थी उसने बहुत ही मेहनत से कार्य किया और सभी एविडेंसेस को एनालाइज करके आज हमने दो आरोपियों को, रोशनी साकेत पुत्री बाबूलाल साकेत, ये भी उम्र 26 वर्ष, जो कि मृतक की बहन है, और रमेश साकेत पिता भैयालाल साकेत उम्र 32 वर्ष निवासी दलदल टोला जो कि उसका दोस्त है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस संपूर्ण कार्यवाही में हमारी जो पुलिस टीम है उसका सराहनीय योगदान रहा है, उनको भी नगद पुरस्कार से पुरस्कृत।